का चार का एक ही काल। केजरीवाल केजरीवाल जब जब बॉडी डरता है आगे करता है। गांव का असर है केजरीवाल जो बाहर है। गांव का सब मालिक की कृपा है, उसकी दुआएं हैं। हमने दुआएं करी मंदिरों में भी, मस्जिदों में भी, गुरुद्वारों में भी, और हमारी आज सुन ली भगवान। 60 तारीख के बाद मोदी सरकार 200 के नीचे पार, 200 के नीचे पार, 200 के नीचे पार। तो केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है और लगातार जिस तरीके से राजनीति में, दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा बदलाव इस गिरफ्तारी के बाद से देखा गया था और अब जमानत मिली है, तो कैसे देख पा रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है और कितनी खुशी का है? सभी कार्यकर्ताओं को बधाई, माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये तय हो गया कि तानाशाही का अंत तय है देश में। लगातार केजरीवाल की जो रिहाई है वो किस नई रणनीति को आगे बढ़ाते हुए ले जाएगी, क्या आपके चर्चा करके वो बताएंगे। ये तय है कि दिल्ली के लोग अपने मुख्यमंत्री के जेल का जवाब वोट से देंगे, सफाया करेंगे तानाशाह का, तानाशाही का अंत होगा। देखिए साफ तौर पर यहाँ पर लोगों का कहना है, कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं, कितनी खुशी हो रही है। आज हमारे लिए दिवाली भी है, आज हमारे लिए ईद भी है, हमें बहुत खुशी है, हम बयान नहीं कर सकते। आज दुनिया की सारी खुशी हमें है कि हमारे सीएम साहब आज बेल पे आ गए हैं। बहुत खुशी के समय देखा गया था कि सड़कों पर प्रदर्शन, पूरा कार्यकर्ता जो है सड़कों पर आ गया था। नहीं, गिरफ्तारी के समय जो था हम निराश थे, हमने रमजान रख रख के बड़ी दुआएं करी हैं, एक ईमानदार आदमी पे ऐसे लक्षण लग रहे हैं जो उंगली रखने को, तिल रखने को जगह नहीं है उनके ऊपर। का असर है केजरीवाल जो बाहर है, गांव का सब मालिक की कृपा है, उसकी दुआएं हैं। हमने दुआएं करी मंदिरों में भी, मस्जिदों में भी, गुरुद्वारों में भी, और हमारी आज सुन ली भगवान ने। ये किस बात का दावा कर रही है चुनाव को लेकर? नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो आज हमारे लिए बहुत खुशी है, और हमारा आज ये जो हमें जमानत मिली है इसका जवाब जो है अब जनता दे देगी अपने आप वोट से। जनता दे देगी, और 4 तारीख के बाद मोदी सरकार 200 के नीचे पार, 200 के नीचे पार, 200 के नीचे पार, और अगले प्रधानमंत्री की तैयारी उसकी ये लड्डू है। ये जमानत इसी बात की गवाही दे रहे हैं। मोदी सरकार केजरीवाल मुकदमेवार है। चांदनी चौक थाने में हम बंद हुए थे, केजरीवाल भी बंद हुए थे जब हम धरना दिए थे 2014 में, तो केजरीवाल बंद हुए थे, समझ गए? कैसे देख पा रहे हैं इस रिहाई को? बिल्कुल, बहुत खुशी है और आज सब खुशियां मना रहे हैं कि, और रही बात 400 के आंकड़े की पार, तो 400 का आंकड़ा पार होने वाला नहीं है। और लोग जनता कह रही है वो 400 पार का बोलते हैं, जनता उनको तड़ी पार बोल रही है। वो हर स्टेट में जाती है, यही वादे करती है, लेकिन उनकी सीटें पूरी नहीं होती है। मध्य प्रदेश में 230 के पार बोला था, लेकिन उनको सीटें कम मिली है। एक तरफ 400 पार्टी को, एक तरफ 400 भ्रष्टाचार का एक ही काल, 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 केजरीवाल केजरीवाल जब जब मोदी डरता है आगे करता है, अरे जब जब मोदी डरता है आगे करता है, जब जब मोदी डरता है आगे करता है, जब जब मोदी डरता है आगे करता है, जब जब मोदी केजरीवाल केजरीवाल।